नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, जो कि हमारी तकरीबन 1000 क्वेश्चंस की सीरीज होगी, है ना दोस्तों। तो वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, और ये आज हमारी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है ना। अगर इस फर्स्ट वीडियो पर हमारी पे कम्प्लीटली या बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स मिलेगा ना, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो भी स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहे हैं, है ना। तो आगे की सीरीज़ जो है हम जारी रखेंगे। तो अगर आपने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो वीडियो हम आगे की सीरीज़ जो है नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना, रात भर में जाकर आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं बीच में से, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। मैं क्यों बनाऊंगा आपके लिए, जब आप देखोगे तभी तो वीडियो बनाऊंगा मैं क्यों बनाऊंगा नहीं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करो, और चलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अगर ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपने कम्प्लीटली जीके देख ली ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जीके तो आपकी बिल्कुल भूल जाओ कि जीके होती है कुछ, है ना। बिल्कुल कम्प्लीटली आप क्लियर कर दो के एसएससी स्टेनोग्राफर के जीके को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपिल देव की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। तो देखिए, रवि शास्त्री को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया को कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो देखिए, बजरंग पुनिया को जो है खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दशक में किस भारतीय ने 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, विराट कोहली ने जो है एक दशक में 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, कृषि मंत्रालय ने जो है उबेर फॉर ट्रैक्टर ऐप जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी योजना का शुभारम्भ किया है। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में योजना लॉन्च की गई है। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया कहाँ से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव से जो है इंडिया एयर पहली उड़ान भरने वाली भारतीय एयरलाइंस बन गई है, जो कि उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम केकेआर ने किसे अपना हेड कोच नियुक्त किया है। तो देखिए, ब्रेडन मैकलम को जो है आईपीएल टीम ने, केकेआर की जो टीम है आईपीएल में, उसको ब्रेडन मैकमलम को कोच नियुक्त किया गया है। केकेआर की फुल फॉर्म होती है कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर आप क्रिकेट के थोड़ा बहुत देखते हो तो आपको नॉलेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या सिन्हा का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, वह कौन थी। देखिए, विद्या सिन्हा जो थी वो बॉलीवुड की अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर के प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए, पालनी दंडायुत स्वामी मंदिर जो है उसके प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराग अदलखा को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अनुराग अदलखा को जो है यस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनंदन के हवाई हमले का संचालन कर रही कौन सी महिला अधिकारी को युद्ध सेना पदक दिया गया है। तो देखिए, अभिनंदन के जो हवाई हमले का संचालन कर रही थी वो महिला को जो युद्ध सेना पदक दिया गया है वो स्क्वाड्रन लीडर मिट्टी अग्रवाल, जो कि मिट्टी अग्रवाल नाम था उनका, जिनको स्क्वाड्रन लीडर का युद्ध सेना पदक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहलवान जूनियर विश्व चैंपियन बन गया है। तो देखिए, दीपक पुनिया जो है वो जूनियर विश्व चैंपियन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 24 घंटे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 24 घंटे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नो प्लेट को हाल ही में चलाया है। तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल ने जो है ऑपरेशन नो प्लेट को चलाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के सिवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, के सिवान जो हैं इनको कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 2022 में महिला क्रिकेट को शामिल करने का फैसला किया है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स ने जो है 2022 में महिला को क्रिकेट टीम में शामिल करने का या क्रिकेट को शामिल करने का फैसला लिया है। जो ही महिलाओं की टीम होती है क्रिकेट की, उसको कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने किस राज्य को क्रिकेट संचालन की मान्यता दे दी है। तो देखिए, उत्तराखंड ने जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है उत्तराखंड क्रिकेट संचालन को जो है मान्यता दे दी है। उत्तराखंड क्रिकेट संचालन की मान्यता अब स्वीकार कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने चीन के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है। तो देखिए, भारत ने जो है चीन के साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेश कुमार को किस प्रदेश का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए, नरेश कुमार को जो है अरुणाचल प्रदेश का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खड़गपुर आई टी ने किस डिवाइस को बनाया है। भारत की जो खड़गपुर में आईआईटी है उसमें जो है रक्त परीक्षण डिवाइस को बनाया है आईआईटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटी उषा को किसका कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पीटी उषा जो हैं वो एक रेसर हैं, है ना, रनर, तो उनको जो है एशियन एथलेटिक कमीशन का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने T20 के लिए किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। तो देखिए, क्वेंटन डीकॉक को जो है दक्षिण अफ्रीकी टीम ने T20 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शेफ को फ्रांस ने अपना कृषि एवं पाक कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो देखिए, प्रियम चटर्जी जो हैं इनको कला क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला पहलवान बबीता फोगाट ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो देखिए, महिला पहलवान जो है बबीता फोगाट, उन्होंने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन सा गीत जारी करने वाला है। तो देखिए, 15 अगस्त को जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय वतन गीत लॉन्च करने वाला है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है 15 अगस्त 2019 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल नडाल ने कौन से टूर्नामेंट को 35वीं बार जीता है। तो देखिए, राफेल नडाल ने मास्टर 1000 को जो है 35वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको गूगल के डूडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, अरेंडजे पेना पोपो को जो है गूगल का डूडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाटामाला को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो ग्वाटेमाला को जो है अलेजांद्रो जिया मटेई का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे भाई अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि मुझे कुछ इसमें फ़ायदा हो रहा होगा, है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए आप भी जान सकते हैं कि YouTube से अभी मुझे आप क्या मिल सकता है। आप मेरे सब्सक्राइबर देख लीजिए और मेरे व्यूज़ देख लीजिए, अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफर के मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई थी और अब भी बना रहा हूँ, है ना दोस्तों। मेरे जो तकरीबन सब्सक्राइबर है ना, उन सब्सक्राइबरों से पिछली बार के जो मैंने SSC स्टेनोग्राफर की आपके प्रिपरेशन कराई थी, उन्हें कम से तकरीबन दो, हाँ सॉरी, दो जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी SSC स्टेनोग्राफर में जॉब लगी थी, है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आपके प्रिपरेशन कराता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस ने गुजरात राज्य के साथ कौन सा समझौता किया है। देखिए, रूस ने जो है गुजरात राज्य के साथ हीरों के प्रसंस्करण के समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने किस कंपनी में निवेश किया है। तो देखिए, CRS24 में जो है महेंद्र सिंह धोनी ने निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ने किस पहली महिला को अध्यक्ष पद नियुक्त किया है। तो देखिए, चंद्रमा साहा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ने इनको अध्यक्ष पद नियुक्त किया है, चंद्रमा साहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगलोर की
ऐश्वर्या ने कौन से वर्ल्ड चैंपियन जीती है? तो देखिए, बंगलोर की ऐश्वर्या जो है उन्होंने इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग विश्व कप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत पंप हाउस शुरू किया गया है? तो देखिए, तेलंगाना में जो है दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत पंप हाउस शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस कंपनी ने कौन से नए ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, रिलायंस जियो कंपनी ने जो है जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की लॉन्च या घोषणा कर दी है ना दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत को किसने तीरंदाजी के लिए निलंबित कर दिया है? तो देखिए, विश्व तीरंदाजी संघ ने जो है भारत को तीरंदाजी के लिए निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बोर्ड ने पूरे देश में परीक्षा फीस बढ़ाने का ऐलान किया है? तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जो है पूरे देश में परीक्षा फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट कंपनी भारत में खुदरा बाजार में किस स्थान पर पहुंच गई है? देखिए, वॉलमार्ट कंपनी जो है भारत में पहले स्थान पर पहुंच गई खुदरे बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान को किस देश ने व्यापार के लिए अपनी पसंदीदा सूची से बाहर कर दिया है? तो देखिए, उत्तर कोरिया ने जो है जापान को अपनी व्यापार की पसंदीदा सूची से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनन मेसी को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यूएफए गोल ऑफ द सीजन अवार्ड से जो है लियोनस मेसी को अवार्ड सम्मानित से किया गया है। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, 13 अगस्त जो है वो अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई से भी या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो तो बिल्कुल कमेंट में बेझिझक हुक्म से आप पूछ सकते हैं है दोस्तों। और वीडियो जिसने भी हमारे फ्रेंड्स ने पूरी देखी हो, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो, है ना। और वीडियो अगर पसंद ना आई हो तो बिल्कुल डिसलाइक करके आप जा सकते हैं।